हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम देखेंगे हमारी रिमाइंडर थ्योरम, किस तरीके से हम एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। आज हम डिवाइड करना सीखेंगे कुछ इजी स्टेप्स के साथ, सो दैट इन फ्यूचर आप कभी भी इस मेथड को ना भूलें। सो आइए देखते हैं कि हम कैसे एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, डिवाइड पी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस एक्स माइनस 1 विथ जी एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 1। तो सबसे पहले जो हमें स्टेप याद रखना होता है वो क्या होता है कि हम इसकी फर्स्ट वैल्यू को देखते हैं और इसकी फर्स्ट वैल्यू को देखते हैं। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है इसको हम इस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। किस तरीके से, ये देखिए 3x² को हमने x से डिवाइड कर दिया, हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 3x आ गया। क्लियर है? नाउ आफ्टर दैट, अब ये जो वैल्यू आई हमारे पास 3x, इस 3x को हमने क्या किया, ये जो x प्लस 1 था इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका, ये हमारे पास हो जाएगा 3x² प्लस 3x। इस रिजल्ट को आप यहाँ पे लिख देंगे तो हमने क्या किया, डिवाइड करने पे हमारे पास बचा 3x, तो हमारे पास क्या बच गया 3x² प्लस 3x। नाउ अब हम साइन अपोजिट कर देते हैं इसके सेकेंड स्टेप में, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। आप देखिए माइनस 3x में से x के हमारे पास क्या बच गया, माइनस का 2x और माइनस का 1। नाउ अगेन रिपीट करेंगे वही फर्स्ट वाले सेम स्टेप को कि इसकी वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे, तो आप क्या कर दोगे, माइनस के 2x को अगर आप x से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो ये जो माइनस का 2 है फिर माइनस का 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका x प्लस 1 की वैल्यू से, तो क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट, माइनस का 2x माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर जो आपकी वैल्यू बचती है यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ हमने लिखा माइनस का 2x माइनस का 2, अगेन साइन चेंज, नीचे वाले साइन को हमेशा देखा जाता है, अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, वैल्यू कैंसिल होगी, 2 में से 1 गया, हमारे पास बचा 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डिवाइडेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। सो यू हैव टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। तो पी एक्स इज इक्वल टू आपकी ये वैल्यू दे रखी है, तो व्हाट यू हैव टू डू, जब भी कोई वैल्यू डिवाइड करने को दे रखी होगी तो हम क्या करेंगे, उसे 0 के इक्वल कर देंगे। तो हमने क्या किया, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब जो हमारे पास 1 आया, अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो वो आपका कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का, बट यहाँ हमसे सिर्फ पूछा है कि यू हैव टू फाइंड दी रिमाइंडर। तो जब हम x की जगह 1 रखेंगे तो 1 हमने रिप्लेस किया x की जगह, आपको क्या मिल गया, 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आपके बच गया 2, तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। तो इन दिस वे यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस रिमाइंडर थ्योरम विदाउट डिवाइडिंग दी पॉलिनोमियल।